गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द फोर्टीन लेसन ऑफ मैथमेटिक्स डिवीज़न पार्ट टू अब पिछले लेसन में हमने मल्टीप्लिकेशन का पार्ट टू देखा था इस लेसन में हमें डिवीजन का पार्ट टू देखना है इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से टू डिजिट नंबर्स को वन डिजिट नंबर से डिवाइड करते हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम्स उसके पश्चात हम लोग देखेंगे थ्री डिजिट नंबर को वन डिजिट नंबर से किस प्रकार डिवाइड करते हैं देन वी विल सी द डिवीजन ऑफ वोल हंड्रेड्स बाय वन डिजिट नंबर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज दिस कि टू डिजिट नंबर को वन डिजिट नंबर से किस प्रकार डिवाइड करते हैं हमने पार्ट वन में ये देखा था सो लेट्स सी सबसे पहले हम लोग डिवीजन का साइन लिखेंगे फिर जो डिविडेंट है डिविडेंट यह हमने डिवीजन का साइन है इसके इस तरफ डिविडेंट लिखते हैं यह डिवाइजर लिखते हैं डिविडेंट मतलब जिसे डिवाइड किया जा रहा है उसे डिविडेंड कहते हैं जिससे डिवाइड किया जा रहा है quotient, उसे डिवाइजर कहते हैं एंड द आंसर वी गॉट दैट वी कॉल क्वेश्चन हम लोग उसे क्वेश्चन कहते हैं तो यहाँ पे डिविडेंट कितना है यहाँ फिफ्टी सिक्स को डिवाइड किया जा रहा है इसका अर्थ यही डिविडेंड है तो फिफ्टी सिक्स को हम लोग यहाँ लिखेंगे उसके पश्चात सेवन से डिवाइड किया जा रहा है तो जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइज़र कहते हैं तो डिवाइज़र हम लोग यहाँ लिखेंगे अब डिवाइज़र का हमें टेबल पढ़ना होता है इसके लिए हम लोग डिवाइजर का टेबल पहले ही लिख देंगे अब सेवन के टेबल में हमको देखना है फिफ्टी सिक्स कहाँ पर आता है सो सी दिस इज सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स तो सेवन का टेबल एट टाइम्स पढ़ेंगे तो फिफ्टी सिक्स आता है अर्थात सेवन को एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टी सिक्स आता है सो वी विल राइट एट एट द क्वेश्चन सो सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स सो फिफ्टी सिक्स को फिफ्टी सिक्स में से सप्ट्रैक्ट करेंगे सो वी विल गेट द आंसर ज़ीरो तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जिस प्रकार मल्टीप्लिकेशन में हम लोग एडिशन करते हैं उसी प्रकार डिवीजन में हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है देन वी विल सी द वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ट ऑन टू डिजिट नंबर डिवाइडिंग बाय वन डिजिट नंबर सो पहला क्वेश्चन है solve the following problems if the total cost of three compost boxes is rupees 90 what is the cost of one compost box यदि तीन कंपोस्ट बॉक्सेस की कीमत नब्बे रुपये है तो एक कंपोस्ट बॉक्स की कीमत कितनी होगी अब इसे हम लोग जब भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं द फर्स्ट वन इज गिवन इंफॉर्मेशन सो वॉट इन्फॉर्मेशन इज गिवन द कॉस्ट ऑफ थ्री कंपोस्ट बॉक्स गिवन दैट इज रुपीज़ नाइन्टी सेकेंड थिंग वी लुक इन टू वर्ट प्रॉब्लम्स दैट इज वट इज आस्क क्या पूछा गया है तो वट इज आस्क कॉस्ट ऑफ वन कंपोज तीसरी चीज हमको देखनी होती है वॉट मेथड वी आर गोइंग टू यूज सो वॉट मेथड वी आर गोइंग टू यूज इज डिवीजन सो डिविजन किसका करेंगे वी विल डिवाइड नाइन्टी बाय थ्री सो लेट सॉल्व दिस वी विल राइट डिविडेंड हियर एंड द डिवाइजर हियर सो so, थ्री से डिवाइड करना है इसके लिए थ्री का टेबल लिख देंगे सो so, यहाँ पे थ्री के टेबल में नाइन्टी नहीं आता है अब आपको एक नया तरीका सीखना है डिवीजन का जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में नहीं देखा था वो ये है कि थ्री के टेबल में नाइन्टी नहीं आता है इसके लिए हम लोग इसका जो भी आ, सबसे पहला डिजिट रहेगा उसे हमको डिवाइड करना है जैसे यहाँ पे टू डिजिट नंबर है तो टें प्लेस पे है नाइन सो so, जो अपर मोस्ट प्लेस वैल्यू है उसे हमें डिवाइड करनी है सो so, यहाँ पे नाइन को डिवाइड करेंगे सो so, थ्री से थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट नाइन सो थ्री थ्री जो अब इसे सब करेंगे सो वी विल गेट द आंसर जीरो अब ये ज़ीरो आ गया इसका मतलब आंसर हमारा सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक हमने यूनिट प्लेस को डिवाइड नहीं किया सो so, यूनिट प्लेस को हम लोग नीचे लाएंगे सो वी विल गेट अव नंबर दैट इज ज़ीरो अब ये नया नंबर भी तैयार हुआ वो भी ज़ीरो है लेकिन फिर भी हमें उसे डिवाइड करना है सो so, थ्री को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट द आंसर ज़ीरो सो थ्री जीरो ज़ीरो अब हम इसे सबक्रैड करेंगे तो हमारा आंसर आया ज़ीरो अब यहाँ पे हमारा ये जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो गया है वी गॉट द आंसर थर्टी सो इफ़ वी डिवाइड नाइन्टी बाई थ्री

नाइन्टी टू रुपीज़ है तो एक किलोग्राम गेहूं की कीमत कितनी होगी सेम थिंग हमको करना है वॉट इंफॉर्मेशन इज़ गिवन वी हैव टू राइट क्या इंफॉर्मेशन दिया है कॉस्ट ऑफ़ फोर के जी वीट दैट इज़ रुपीज नाइन्टी टू देन वॉट इज आस्ट क्या पूछा गया है कॉस्ट ऑफ वन के जी ऑफ वीट वॉट मेथड वी आर गोइंग वी आर गोइंग टू यूज़ दैट इज़ डिविजन सो नाइन्टी टू डिवाइडेड बाई फोर सो लेट्स ऑल दिस 92 को हमने यहाँ लिखा 92 को 4 से डिवाइड करना है सो so, 4 का टेबल हम लोग लिख देंगे सो so, 4 से सबसे पहले हम लोग 9 को डिवाइड करेंगे जो कि टेंस प्लेस अपर मोस्ट प्लेस वैल्यू है यहाँ पे टेंस प्लेस सो 9 को डिवाइड करेंगे सो so, 4 के टेबल में 9 हमको नहीं आ रहा है so, सो हम लोग क्या करेंगे उससे छोटा जो उससे सबसे छोटा नज़दीक वाला नंबर होगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे सो फोर टू ज़ा एट अब यहाँ पे फोर भी उससे छोटा है ज़ीरो भी छोटा है लेकिन नाइन से जो नज़दीक है वो है एट है इसके लिए फ़ोर टू ज़ा एट सो हमने फोर का टेबल टू टाइम्स पढ़ा सो वी गॉट द आंसर एट फोर फोर टू ज़ा एट सो नाइन में से एट गया सो so, हमारा जवाब आया वन अब हम लोग यूनिट प्लेस को नीचे लाएंगे सो so, यूनिट प्लेस को नीचे लाने के बाद हमारा नया नंबर हुआ ट्वेल्व सो फोर के टेबल में ट्वेल्व है सो फोर थ्री ज टल्व सो वी गॉट ट्वेल्व हियर सो ट्वेल्व में से ट्वेल्व को सप्ट्रैक्ट करेंगे सो वी गॉट द आंसर जीरो सो हमारा आंसर आया ट्वेंटी थ्री सो द कॉस्ट ऑफ वन के जी ऑफ वीट इज रुपीज़ ट्वेंटी थ्री इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है देन वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ फोर्टी चिल्ड्रन स्टैंड इन फाइव इक्वल रोज फॉर अ drill, हाउ many चिल्ड्रन विल देयर बी इन ईच रो यदि पाँच पंक्तियों में चालीस बच्चे ड्रिल के लिए खड़े होते हैं तो एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं हमको इसे सॉल्व करना है गिवन इंफॉर्मेशन चिल्ड्रन इन फाइव रोज़ इज इक्वल टू फोर्टी पाँच पंक्तियों में फोर्टी बच्चे हैं वॉट इज आस्ट क्या पूछा गया है चिल्ड्रन इन वन रो एक रो में कितने बच्चे हैं वट वी विल डू वी विल डू डिविजन सो फोर्टी डिवाइडेड बाई फाइव अब यहाँ पे आपको एक बात देखना जरूरी है कि हमें यहाँ पे स्टेप वाइज जाना है अब फाइव के टेबल में फोर्टी आता है चाहे तो हम लोग फाइव एटज़ा फोर्टी डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने एक नई स्टेप देखी है उसी स्टेप वाइज से जाएंगे फाइव को फोर से फोर uh, को फ़ाइव से डिवाइड करना है सो so, टेबल में नहीं है सो फाइव जीरो जा ज़ीरो सो फाइव जीरो जा ज़ीरो सो हमने सब किया सो वी गॉट द आंसर फोर फिर हम लोग यूनिट प्लेस को नीचे लाएंगे तो हमारा जवाब आया फोर्टी सो फोर्टी इज़ ए न्यू नंबर सो फाइव एड्ज़ा फोर्टी फाइव एड्ज़ा फोर्टी सो फोर्टी में से फोर्टी को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वी गेट द आंसर जीरो सो ई द चिल्ड्रन इन वन रो इज एट तो इसका मतलब है कि एक पंक्ति में आठ बच्चे ड्रिल के लिए खड़े होंगे नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी डिवाइडिंग अ थ्री डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर अर्थात तीन अंक वाली संख्याओं को एक अंक वाली संख्या से भाग देना मधु हैज़ थ्री हंड्रेड रुपीज नोट्स सिक्स टेन रुपीज नोट्स एंड वन रुपी कॉइंस तो देखो मधु के पास तीन हंड्रेड की नोट थी छ दस रुपये की नोट थी और नाइन वन रुपी कॉइंस थी सो टोटलिंग रुपीज़ थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन हाउ शुड शी डिवाइड इट इक्वली बिटवीन नीना बीना एंड नागेश तो उसे वो नीना बीना और नागेश को इक्वली डिवाइड करना था सो फॉर दैट शी विल यूज डिवीजन सो थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन डिवाइडेड बाई थ्री लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन डिवाइडेड बाय थ्री सो लेट्स राइट द टेबल ऑफ थ्री सो थ्री से अब यहाँ पे अभी वही हम लोगों ने जो सेम प्रोसेस की थी टू डिजिट के लिए वही हमको थ्री डिजिट के लिए भी करना है वॉट इज द अपर मोस्ट प्लेस वैल्यू वी हैव द अपर मोस्ट प्लेस वैल्यू इज हंड्रेड सो so, हमें यहाँ पे हंड्रेड को सबसे पहले डिवाइड करना है सो थ्री वन ज़ा थ्री थ्री वन सार थ्री तो थ्री को थ्री में से सब किया सो वी गॉट द आंसर ज़ीरो दैन अभी हमको टेंस प्लेस को नीचे लाना है टेंस प्लेस को नीचे लाया तो नया नंबर बना सिक्स सो थ्री टू ज़ा सिक्स थ्री टू ज़ा आया सिक्स सो सिक्स में से सिक्स को घटाया सो so, हमारा आंसर आया ज़ीरो सो राइट यूनिट प्लेस हम लोग यहाँ यूनिट प्लेस लिखेंगे तो थ्री थ्री ज़ा नाइन सो थ्री थ्री झा नाइन सो नाइन में से नाइन को घटाएँगे तो वी गेट द आंसर ज़ीरो सो देअर फोर वी कैन से देट द क्वेश्चन इज़ वन ट्वेंटी थ्री यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन थे वो कितना है वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री So each person will receive rupees 123. So Nina, Bina, and Nagesh will receive rupees 123 each. So let's see some more examples based on dividing a three digit number by one digit number. given 484 divided by 4. So we will write 484, the dividend here, and the four divisor here. सो फोर का टेबल हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सो so, फोर से हंड्रेड प्लेस को डिवाइड करना है सो फोर वन जा फोर अब फोर को वन से डिवाइड करेंगे तो फोर आया वी विल सब्ट्रैक्ट द फोर फ्रॉम द फोर सो वी गॉट द आंसर ज़ीरो नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट एट इन टेंस प्लेस बाय फोर सो फोर को एट को हम लोग नीचे लिख देंगे फोर का टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे तो so, एट आता है इसके लिए फोर टू ज़ा एट सो एट में से एट को सपरेट करेंगे सो वी विल गेट द आंसर ज़ीरो ना वी विल राइट फोर इन द यूनिट प्लेस उसको नीचे लेंगे सो विगाट एन यू नंबर फोर सो फोर से वन को डी मल्टीप्लाई करेंगे सो फोर वन ज़ा फोर फोर का टेबल एक टाइम पड़ेंगे तो फोर आएगा सो विदाउट द आंसर ज़ीरो विदॉट द रिमाइंडर जीरो सो यर वी कैन से द क्वेश्चन इज वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन ये हमारा क्वेश्चन है सो हम इससे हमें एक बात पता चली कि फोर हंड्रेड एंड एटी फोर डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू होता है वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन नाउ वी विल सी अनदर क्वेश्चन सेम डिवाइडिंग है थ्री डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर 462 को टू से डिवाइड करना है सो so, सबसे पहले हम लोग डिविडेंट लिखेंगे फिर डिवाइजर लिखेंगे देन वी विल राइट द टेबल ऑफ 2। सो टू से सबसे पहले 100 प्लेस में कौन सा डिजिट है वी गॉट 4 इन 100 प्लेस सो टू से फोर को डिवाइड करेंगे सो टू टू ज़ा फोर टू टू ज़ा फोर होता है सो टू टू ज़ा फोर सो बाय सप्ट्रैक्टिंग फोर फ्रॉम द फोर वी गेट ज़ीरो चार में से चार को घटाया तो ज़ीरो आया अब हम टेंस प्लेस को नीचे लाएंगे सो हमारा नया नंबर बना सिक्स सो टू से थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे सो टू थ्री जा सिक्स सो टू थ्री को हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे सिक्स को नीचे लिखेंगे तो सिक्स में से सिक्स घटाया सो वी विल गेट द आंसर ज़ीरो अब यूनिट प्लेस में जो एट है उसे हम लोग नीचे लाएंगे सो गॉट न्यू नंबर एट सो फोर टू ज़ा सॉरी टू फोर जा एट तो हम लोग टू फोर जा फोर को क्वेश्चन में लिखेंगे एट इधर सो एट में से एट को घटाया सो वी विल गेट द आंसर जीरो नाउ द क्वेश्चन इज टू हंड्रेड एंड थर्टी फोर देयर फोर वी कैन से दैट फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी एट डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू टू हंड्रेड एंड थर्टी फोर लेट सी ऑन एग्जाम्पल नाउ लेटस्ट डिवाइड फोर नोट्स ऑफ हंड्रेड रुपीज़ सिक्स नोट्स ऑफ टेन रुपीज़ एंड फाइव कॉइन्स ऑफ वन रुपीज टोटलिंग रुपीज़ फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव बिटवीन फाइव पीपल अब हमें फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव को पाँच लोगों में डिवाइड करना है लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन सो फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव जो कि डिविडेंट है उसे हमने यहाँ लिखा फाइव इज डिवाइजर सो वी राइट हियर देन वी विल राइट द टेबल ऑफ फाइव सो फाइव से हंड्रेड प्लेस में जो डिजिट है वो है फोर उसे डिवाइड करना है सो फाइव के टेबल में फ़ोर नहीं आता है सो वी विल मल्टीप्लाई इट विद ज़ीरो सो फाइव ज़ीरो ज़ा ज़ीरो फाइव जीरो ज़ा ज़ीरो सो वी सप्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम द फोर सो वी गॉट द आंसर फोर अब टेंस प्लेस में जो डिजिट है उसे हमने नीचे लाया सो वी गॉट न्यू नंबर दैट इज़ फोर्टी सिक्स सो फाइव के टेबल में अगर हम लोग देखेंगे तो फोर्टी सिक्स नहीं है बट वी गॉट द नियरेस्ट नंबर दैट इज़ फाइव नाइन ज़ा फोर्टी फाइव फाइव नाइन ज़ा फोर्टी फाइव सो वी विल सब्ट्रैक्ट फोर्टी फाइव फ्रॉम फोर्टी सिक्स सो वी गॉट सिक्स में से पाँच गए एक और फोर में से फोर गया ज़ीरो तो अभी हम लोग यूनिट प्लेस वाले को नीचे लाएंगे तो ये हो गया फिफ्टीन सो फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन फाइव so तीन यहां लिखेंगे और फिफ्टीन यहां सो फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन वी गॉट जीरो सो द क्वेश्चन इज जीरो नाइन्टी थ्री मींस नाइन्टी थ्री सो ईच पर्सन विल रिसीव रुपीज नाइन्टी थ्री तो हर एक व्यक्ति को कितना मिलेगा नाइन्टी थ्री रुपीज मिलेगा नाउ वी आर गोइंग टू सी अनदर एग्जाम्पल 815 डिवाइडेड बाय 2. अब ये सारे सवाल अलग अलग प्रकार के इसीलिए आपको बार बार करवा दिए जा रहे हैं ज़रा ध्यान से देखिए 815 डिवाइडेड बाय 2. सो so 2 से सबको डिवाइड करना है इसके लिए 2 का टेबल लिख दिया 2 से 8 को डिवाइड करना है सबसे पहले बिकॉज इट इज़ इन हंड्रेड प्लेस सो टू फोर ज़ा एट सो टू फोर ज़ा एट हमारा आंसर आया ज़ीरो अब हम लोग टेंस प्लेस को नीचे लेंगे सो वी गॉट वन अब यहां आपको ध्यान देना है अब टू से अगर हम लोग वन को डिवाइड करते हैं सो टू वन जा टू तो बड़ा होता है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे टू का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो के साथ करेंगे सो टू ज़ीरो ज़ीरो अब यहाँ पे हमें ये सिंगल डिजिट का ही डिवीज़न करना ज़रूरी है हमको ऊपर से नीचे पाँच यहाँ ला के फिफ्टीन से डिवाइड यहाँ नहीं करना है हमें यहाँ पहले वन को डिवाइड करना है सो so, टू जीरो ज़ीरो तो वन में से ज़ीरो गया सो वी गॉट द आंसर वन नाउ अभी जो यूनिट प्लेस में फाइव है वी विल ब्रिंग इट डाउन सो वी गॉट अ न्यू नंबर फिफ्टीन आपको यहाँ इसे फिफ्टीन को यहाँ पर नहीं लाना है बल्कि वन को डिवाइड करने के बाद जब आंसर आता है तो यहाँ हमारा नया नंबर हुआ फिफ्टीन सो so, यहाँ फिफ्टीन तो टेबल में है नहीं सो वी विल सी टू सेवेन ज फोरटीन सो वी गॉट टू सेवन ज फोर्टीन सो फिफ्टीन में से फोर्टीन को सप्रैट किया सो वी विल गेट द आंसर वन अब यहाँ पे हमको मिला क्या मिला द क्वेश्चन इज़ फोर हंड्रेड एंड सेवन फोर हंड्रेड एंड सेवन ये क्वेश्चन है एंड द रिमाइंडर इज वन यहाँ पे एक हमारा रिमाइंडर है सो वी विल राइट अभी आपको ये थोड़ा सा मेहनत और करना है कि डिविडेंट डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर ये भी आपको लिखना है सो हियर डिविडेंट कितना है एट हंड्रेड एंड फिफ्टीन डिवाइजर इज टू क्वेश्चन कितना है फोर हंड्रेड एंड सेवन एंड द रिमाइंडर इज वन ये जो रिमाइंडर है उसे आपको यहाँ पर लिखना है नाव वी विल सी डिवाइडिंग वोल हंड्रेड बाय वन डिजिट नंबर अभी आपको मैंने पहले ही बताया था कि वोल हंड्रेड को डिवाइड कैसे करना है वो भी हमको देखना है सो वी विल सी यहाँ पे एक एग्जांपल है एट हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू सो एट हंड्रेड को हमने यहाँ लिखा टू से डिवाइड किया देन हमने टू का टेबल लिखा सो so टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो so हमको एट आता है सो टू फोर जा एट सो एट माइनस एट वी गॉड ज़ीरो अब ज़ीरो है तो यहाँ कंप्लीट हुआ ऐसा नहीं होता है हमें टेंस प्लेस को नीचे लाना है सो so, हमने यहाँ लिया ज़ीरो अभी यहाँ जीरो ज़ीरो ही है तो क्या हमारा जवाब कंप्लीट हो गया नहीं हमें इस ज़ीरो को भी डिवाइड करना है जब तक कि सारे प्लेस वैल्यूज़ uh, को हम लोग डिवाइड नहीं करते सो टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो सो टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो सो वी सब्ट्रैक्ट दिस ज़ीरो फ्रॉम ज़ीरो सो वी गॉट ज़ीरो हमको यहाँ मिला ज़ीरो अब हमें जो यूनिट प्लेस में ज़ीरो है उसे नीचे लाना है तो नया नंबर भी हमारा जीरो ही हुआ सो so टू को फिर से ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे यानी टू ज़ीरो ज़ीरो अब हमारा आंसर आया ज़ीरो अब इसके पश्चात हमारा कोई भी नंबर नहीं बचा है सो वी गॉट अ क्वेश्चन फोर हंड्रेड एंड द रिमाइंडर ज़ीरो सो देयरफॉर द क्वेश्चन इज़ फोर हंड्रेड एंड द रिमाइंडर इज़ीरो

फाइव फाइव में से फाइव को घटा दिया तो हमारा सब्ट्रैक्शन हुआ ज़ीरो अब सेम थिंग टेंस प्लेस को नीचे लाएंगे वेरी गुड तो यहाँ पे फाइव को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है तो यस फाइव जीरो ज़ीरो सो वी विल राइट ज़ीरो इन द क्वेश्चन एंड ज़ीरो सो वी विल सब्ट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम द ज़ीरो सो वी गॉट द आंसर ज़ीरो सो अभी यहाँ हमारा सवाल कंप्लीट हुआ है नहीं हमको यूनिट प्लेस को भी नीचे लाना है और उसे भी हमको डिवाइड करना है सो फाइव ज़ीरो ज़ीरो सो वी गॉट द आंसर ज़ीरो सो फाइव मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड हमारा आंसर होता है जीरो देखो फाइव को अगर हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही फाइव हंड्रेड आता है फाइव को वन से करेंगे तो केवल फाइव आता है इसके लिए हमें ये पूरा सवाल सॉल्व करना है सो द क्वेश्चन इज हंड्रेड एंड द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो सो डिविडेंड इज़ फाइव हंड्रेड डिवाइजर इज़ फाइव क्वेश्चन इज हंड्रेड एंड द रिमाइंडर इज ज़ीरो तो यहाँ पर वन मोर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फोर सो वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी को फोर से डिवाइड किया सो वी गॉट क्या मिला हमें फोर ज़ीरो ज़ा ज़ीरो फोर ज़ीरो जा ज़ीरो तो हम लोग वन में से जीरो गया सो so, हमारा आंसर आया वन अब हम लोग टेंस प्लेस को नीचे लाएंगे सो वी विल गेट ट्वेल्व सो फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व सो वी विल गेट ज़ीरो ईयर सो वी विल राइट ज़ीरो सो ज़ीरो सो फोर ज़ीरो ज़ा ज़ीरो फोर जीरो ज़ा ज़ीरो हमारा आंसर आया ज़ीरो so the remainder is 0 and the quotient is 30 so we will write dividend divisor and quotient here so here is the answer thank you